हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो है बीएड का असाइनमेंट। तो यहाँ पर जो हमारा असाइनमेंट का टॉपिक है वो है विशिष्ट एवं समन्वित शिक्षा के ऊपर। तो यहाँ पे हम इन दोनों जो शिक्षा के ये प्रकार हैं इन्हें हम देखेंगे अपने इस फाइल में। तो इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स को मैंशन किया है वो हम आपको बता देते हैं, जो भी हमने इस फाइल के अंदर मैंशन किए हुए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है विशिष्ट शिक्षा का इतिहास, सबसे पहले हमने बताया है। तो इसमें प्राचीन अवस्था और आधुनिक अवस्था हमने बताए हैं। नेक्स्ट हमने बताया है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य हमने बताए हैं। विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत बताए हैं। उसके बाद हम समन्वित शिक्षा पर गए हैं कि समन्वित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएँ क्या है और समन्वित शिक्षा का की आवश्यकता क्या है। उसके बाद हमने निष्कर्ष और लास्ट में हमारा सुंदरवन सूची को लिया है। तो यहाँ पे हम स्पेशल एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर होती क्या है। सबसे पहले हमने इसका हिस्ट्री को देखा है। तो विशिष्ट शिक्षा हमने यहाँ पे बता दी कि विशिष्ट शिक्षा के तीन पार्ट है। तो प्राचीन अवस्था है, मध्य अवस्था है और आधुनिक इसमें अवस्थाएं हैं। तो इसमें प्राचीन अवस्था क्या है कि प्राचीन काल में विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप जातिगत एवं वर्ण व्यवस्था के आधार पर प्रचलित था। विविध प्रकार के बच्चों को कौन सी शिक्षा प्रदान करनी है यह उसकी जाति एवं वर्ण द्वारा निश्चित किया जाता था। उदाहरणार्थ क्षत्रिय वर्णों के व्यक्तियों को धनुर्विद्या एवं रण कौशल से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति धनुर्विद्या में शिक्षित होना चाहता था तो उसको यह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। ब्राह्मणों को वेदों एवं संस्कृत के ज्ञान के लिए उपयुक्त माना जाता था। तो ये क्या है, प्राचीन काल की अवस्था थी विशिष्ट शिक्षा में। नेक्स्ट सेकेंड जो इसमें था वो है मध्य अवस्था। इसमें क्या हुआ कि परिवर्तन समाज एवं प्रकृति का नियम है। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र भी परिवर्तित होने लगा। विशिष्ट शिक्षा वर्ण व्यवस्था एवं तथा जातिगत सीमाओं से निकलकर सभी वर्ग के लिए सुलभ होने लगी। सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा के अवसर मिलने लगे। सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना होने लगी जिसमें किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं था। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड पॉइंट है वह है आधुनिक अवस्था। तो आधुनिकता आने तक क्या क्या चीज़ें हुई। वर्तमान समय में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता का समावेश हो गया है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा का सार्वजनिकरण है। सरकार द्वारा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के कारण भी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। विशिष्ट शिक्षा की स्थिति वर्तमान समय में निम्न प्रकार है। तो क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। प्राथमिक विद्यालयों द्वारा छात्रों की विशिष्टता की पहचान करना तथा उनके अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट इसमें जो है प्रतिभाशाली बालक एवं बालिकाओं के लिए सामान्य बालक एवं बालिकाओं से पृथक पाठ्यक्रम तैयार करना। थर्ड जो इसमें था शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम एवं विशिष्ट शिक्षण विधियों की व्यवस्था करना जिससे उनका अधिगम स्तर उच्च हो सके। छात्रों के लिए विद्यालय द्वारा रैंप बनवाया जाए जिससे विकलांग छात्र विद्यालय में सरलता से प्रवेश कर सकें। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाकर शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को समाज की मुख्य धारा से सम्मिलित किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें जो है विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जा रहा है जिसमें विकलांग छात्रों का ध्यान भी रखा जाए ताकि वे उसमें भाग ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को विद्यालय में आरक्षण प्रदान किया जाता है जिससे वे अपनी कक्षा को पूर्ण कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सरकार द्वारा ऐसे अनुसंधान प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों की खोज की जा सके या खोज हो सके। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आधुनिक शिक्षा फॉलो कर रही है। यहाँ पे हमने विशिष्ट बालक को बता दिया कि विशिष्ट बालक क्या कौन कौन हो सकता है। तो शारीरिक रूप से जो विशिष्ट हो। नेक्स्ट इसमें मानसिक रूप से जो विशिष्ट हो। थर्ड जो इसमें शैक्षिक रूप से विशिष्ट हो। और जो लास्ट है इसमें सामाजिक रूप से विशिष्ट हो। तो शारीरिक रूप से वही आते हैं जैसे दृष्टि विकलांग हो गए, वाणी विकलांग, श्रवण दुर्बल होते हैं जो, और गत्यात्मक अक्षम होंगे। मानसिक रूप से यानी कि प्रतिभा संपन्न होंगे या फिर सृजनात्मक होंगे या फिर मानसिक मंद होंगे। शैक्षिक रूप से हो सकते हैं शैक्षिक तीव्र भी हो सकते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े भी हो सकते हैं और सीखने में अयोग्य भी हो सकते हैं। और सामाजिक रूप से जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ में आयोजित होते हैं
समस्यात्मक होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, विचलित बालक होते हैं और या फिर वो नशे के आदि बालक होते हैं और या फिर संवेगात्मक रूप से विचलित वो बालक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका एक फ्लो चार्ट खुद बना लिया है। इसकी डेफिनेशन मैंने इस साइड लिख दी है, ये इस साइड आनी चाहिए थी वैसे अर्थ के बाद, तो मेरे पास यहाँ पे पेपर रहा नहीं था, मैंने फाइल कंप्लीट कर ली थी तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पे लिखा है, मेंशन मैंने इसे यहाँ किया है। वैसे ये जो ये वाला पोर्शन है ये जो है अर्थ के बाद यहाँ पे आना चाहिए था, डेफिनेशन विशेष शिक्षा की परिभाषा। तो यहाँ पे विशेष शिक्षा का अर्थ हमने क्या लिया कि विशेष शिक्षा के स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाधिताओं से संबंधित सेवाएं जैसे यातायात, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक निर्धारण, भौतिक, शारीरिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श आदि की भी आवश्यकता होती है। और यहाँ पे हमने इसका उद्देश्य दे दिया है कि विशेष शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसमें कौन कौन से उद्देश्य हैं देख लेते हैं कुछ उद्देश्यों को। तो इसमें 6 उद्देश्य हैं लगभग। पहला जो इसमें उद्देश्य है वह है शारीरिक दोष युक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति, पहचान तथा निर्धारण करना। नेक्स्ट जो इसमें है वह शारीरिक दोष की दिशा में इससे पहले कि वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हों उनकी रोकथाम के लिए पहले से उपाय करना। नेक्स्ट जो इसमें शारीरिक बाधित बालकों को माता पिताओं की को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों की उत्पन्न समस्याओं एवं कमियों के बारे में सुरक्षा तथा रोकथाम के उपाय करना। नेक्स्ट जो इसमें है वो शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी देना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन तैयार करना। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वह शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वासन करना। नेक्स्ट जो है और जो लास्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986 से 1992 से मैं स्वयं एवं जीवन यापन के अवयवों का क्रमबद्धता से निर्धारण करना। इसके बाद का जो टॉपिक को परिभाषाएं हैं विशेष शिक्षा की परिभाषाएं, तो ये टॉपिक जो है इसके बाद के पेज में आएगा। तो यहाँ पे हमने परिभाषाएं जो लिया हुआ तो हैक के अनुसार है, क्रिक के अनुसार है और यहाँ पे डन के अनुसार यहाँ पे 3 परिभाषाएं हमने ली हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है वह है विशेष शिक्षा के सिद्धांत, कौन कौन से यहाँ पे सिद्धांत हमने लिए हैं। तो इसमें पहला जो हमने सिद्धांत लिया है व्यक्तिगत भिन्नता 2 प्रकार की होती है, ठीक है, यानी कौन कौन से कि 2 व्यक्तियों में अंतर हो सकता है या फिर मनुष्य का स्वयं से भेद हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसे थोड़ा लिखा है इसके बारे में। सेकेंड जो इसमें सिद्धांत है कोई भी निरस्त नहीं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे मतलब आप सीधे निरस्त कर दो, यानी कि शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कोई स्कूल वाले कि ये चल नहीं सकता तो यहाँ पढ़ नहीं सकता है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। थर्ड जो इसमें है अविवेदी शिक्षा। फोर्थ जो इसमें है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट जो हमने इसमें पॉइंट लिखा है विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत है वो है नियंत्रित वातावरण। उसके बाद है विशिष्ट प्रक्रिया और जो लास्ट है माता पिता का सहयोग। तो यहाँ पे हमारे जो है 7 पॉइंट हमने इसमें लिखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है समन्वित शिक्षा। अब हम समन्वित शिक्षा पे आ गए हैं, उसका अर्थ हम देखेंगे कि समन्वित या एकीकृत शिक्षा होती क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत बता दिया है इसे इस तरीके से कि ये आगे होती क्या है कि ज़्यादा खर्चीली नहीं होती है और इसमें क्या है बालकों को प्रवेश मिल जाता है, इस तरीके से हमने यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि समन्वित शिक्षा में 4 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी है, एक तो मानकीयकरण है, नेक्स्ट जो है संस्थारहित शिक्षा है, थर्ड है शिक्षा की मुख्य धारा है और जो फोर्थ है उसका समावेश है। और तो यहाँ पे हमने मेंशन करके हमने ये चीज़ दिखा दी और फिर हमने इसे थोड़ा डिटेल इनका लिख लिया यहाँ पे कि मानकीयकरण क्या होता है, संस्थारहित शिक्षा क्या होती है, शिक्षा की मुख्य धारा क्या होती है और समावेश क्या होता है, ये हमने यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया है। इस साइड हमने इसके उद्देश्य को फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा दिखा दिया है। एक कंटेंट भी आपको कहीं से भी मिल जाएगा इसके बारे में, जो और भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगी और इनकी एक स्पेशल बुक भी आती है वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे हमने जो है थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की है कि जो इंटीग्रेटेड होता है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, फिजिकली भी आ सकते हैं, मेंटली भी आ सकते हैं, कोई भी टाइप का बच्चा यहाँ पे आ सकता है इंटीग्रेटेड के अंदर। तो समन्वित शिक्षा की विशेषताएँ यहाँ पर हमने लिखी हैं, ये कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं और आगे के पेज में भी हैं। तो इसमें हम कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं कि समन्वित शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक
साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान यहाँ की जाती है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, समन्वित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, समन्वित शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समन्वित शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। नेक्स्ट जो है इसमें, इस शिक्षा को ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट जो इसमें है, यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है। कौन? समन्वित शिक्षा, जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वह, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक हैं। समाज एक दूसरे की मध्य दूरी कम करने तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करता है। तो इसमें ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये जो है ये हैं, यहाँ पे मैं दिख नहीं रहे हैं फाइल को प्रॉपर फोल्ड करने के बाद, तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप चाहे तो इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी फाइल में। और यहाँ पर भी तीन जो है पॉइंट्स हैं इस तरीके से, तो ये तीन पॉइंट भी यहाँ पे समन्वित शिक्षा के ऊपर हमने लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो समन्वित शिक्षा की आवश्यकता, कि आखिर क्या आवश्यकता है समन्वित शिक्षा की। तो यहाँ पे जो पहली आवश्यकता हमने ली है वह है सामान्य मानसिक विकास संभव है, समन्वित शिक्षा के द्वारा जो है एक मानसिक विकास संभव है। सेकेंड है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। थर्ड इसमें है समन्वित शिक्षा कम खर्चीली है, जैसा कि हमने पीछे एक वहाँ पर हमने लिखा हुआ भी था। और नेक्स्ट है इसमें समन्वित शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। नेक्स्ट है शैक्षिक एकीकरण संभव है, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है। तो ये जो है इतना ही हमने इसके अंदर लिया है। लास्ट हमारा निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची है। तो निष्कर्ष में हमने लिखा है कि विशिष्ट शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वयं धन प्रदान किया जाता है तथा आवश्यकता के अनुसार विश्व बैंक से अनुदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा अधिक खर्चीली है, जबकि समन्वित शिक्षा में अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। समन्वित शिक्षा सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है, इससे मानसिक विकास भी संभव है। समन्वित शिक्षा में अपंग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। सामान्य वातावरण में छात्र की भावना तथा भावात्मक समायोजन का विकास होता है। समन्वित शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की प्राप्ति की जानी चाहिए, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों से हीन ना समझे। तो ये हमने यहाँ पे निष्कर्ष लिख लिया और संदर्भ ग्रंथ सूची में हमने ये दो चीज़ें लिखी। एक तो www.wikipedia.com से हमें अपना कंटेंट मिला, और एक सूर्या क्वेश्चन बैंक क्रिएटिंग एन इनक्लूसिव स्कूल, तो यहाँ से हमें इन दो चीज़ों से हमें अपना ये जो है फाइल का कंटेंट मिला है, तो दो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।